अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के नेवादा में पहुंचकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मंच पर मौजूद रहे। हालांकि सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी जनसभा के दौरान सपा बीएसपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को भी गिराया। उन्होंने कहा कि चाहे सपा रही हो या फिर बीएसपी या कांग्रेस, किसी ने धारा 370 35 ए को हटाने की जहमत नहीं उठाई। यही लोग इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने एक झटके में धारा 370 35 ए को खत्म कर साबित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले और वोट मांगने वाले बहुत होंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में जब कांग्रेस ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके जबरन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, तब से कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई थी इस धारा को हटाने की। ये देश के गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा को एक झटके से उठा करके फेंक दिया और दुनिया के सामने इस बात का एहसास करा दिया कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत के आन बान और शान के खिलाफ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। जो पाकिस्तान कल तक हमें धमकी देता था कि एटम बम गिराएंगे, आज वही पाकिस्तान दुनिया के अंदर गिड़गड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।